फाजिल का समाचार टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की दोस्तों और सुनार से चोरों ने लूटे 1.5 लाख नकदी और 3 लाख रुपए के सोने के गहने। अब खबर विस्तार से। पंजाब पुलिस की तरफ से चोर को नकेल डालने के लिए चाहे लाख उपाय हैं, परंतु आए दिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरी की घटनाओं में काफी विस्तार हुआ है। जिसकी ताजा मिसाल जिला फिरोजपुर के कस्बा मल्लावाला में एक सुनार से नकदी और सोने के गहनों की लूटमार की गई। जानकारी देते हुए मंगतराम सुनार ने बताया कि उसकी यह ज्वेलर की दुकान मल्लावाला में स्थित है। उसने बताया कि मैं रोजमर्रा की तरह देर शाम को अपने पैसों और सोने के गहनों का थैला लेकर जैसा ही फिरोजपुर को जाने लगा अपना थैला छीन कर ले गए। मुझे जख्मी करते हुए वे लोग फरार हो गए। सुनार के बताने मुताबिक थैले में 1.5 लाख नकदी और करीब 3 लाख रुपए के सोने के गहने थे। कारण जी मैं शाम अपनी एक्टिवा से अपने मुलाजमन मगर बहा के बस चढ़ने वास्ते आ रहा सी। चौंक मैं उतरन ही लगा तो मेरे बाह से उन्हें कापा मारिया। पहला कहें फैर कटिया उन्हें ताकि पब्लिक आसे पासे हो जाए। मैंने उन्हें कापा मारिया, कापा मार के उस वक्त ही उन्हें एक होर उतो मारन लगा। मेरा बैग खो के लै गया। मैं जोर जोर से बड़ा पुकारिया लोगों को, लोग आगे आंदा साहस भी किया मगर कापे तो डर के मोटरसाइकिल के दो जने आए सन। अपना बैग दे विच की सी समान? बैग मेरा कैश सी ते गोल्ड सी। मेरा गोल्ड का शोरूम है। किन्ना कैश सी अपना जी? 1.5 लाख रुपया कैश सी। गोल्ड किन्ना है? 3.5 लाख का गोल्ड सी। ठीक है, थैंक यू। इस संबंधित थाना मल्लावाला पुलिस को सूचित कर दिया गया है। दूसरी तरफ घटना स्थान पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मंगत राम के अनुसार कार्रवाई करके लुटेरों की खोज जारी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से चोरों को कितना जल्दी गिरफ्तार जल्दी इंसाफ मिल पाता है। फाजिल का समाचारों पर हम लोग आपको सुनाते हैं फाजिलका के ताजा समाचार। पर अभी तक अगर आपने हमारा YouTube लिंक क्लिक नहीं किया है तो प्लीज YouTube लिंक पर जाकर उसे क्लिक करें और हमारे ताजे अपडेट्स पाने के लिए वहां लगा बेल आइकन भी दबाएं ताकि जल्द से जल्द आप तक हम हर पल की खबर पहुंचाते रहें। और सुनते रहें आप